छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अभी भाजपा सरकार में दो मंत्रियों का पद खाली है। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसे लेकर भाजपा नेताओं ने अलग अलग समय पर बयान भी सामने आते रहते हैं। बीते दिनों भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर दिल्ली दौरे पर थे तो अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। ये कहा जा रहा था कि चंद्राकर अपने लिए लॉबिंग करने गए हैं, लेकिन जब दिल्ली दौरे से लौटे तो अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वहीं आज फिर चंद्राकर ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपना बयान दिया है। इसके साथ धान खरीदी को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के बयान पर चंद्राकर ने कहा कि दीपक बैज सड़क पर ही कुछ कर सकते हैं, सदन में तो उनकी टिकट कट गई है। मोदी जी की रिपोर्ट कार्ड एक साल के कार्यक्रमों में जो चर्चा होगी होगी, पर मंत्रिमंडल के विस्तार में आप लोगों ने बहुत प्रश्न कर लिया। ये विशुद्ध रूप से, और बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जब मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तब इसका विस्तार कर सकते हैं, उसमें कोई प्रश्न बनता नहीं। और एक साल हो गया तो बहुत सारी चीजें हैं गिनाने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए, सबके लिए। और वो रिपोर्ट कार्ड जारी होगा, सभी माननीय मंत्रीगण मुख्यमंत्री जी के साथ प्रेस वार्ता लेंगे, अब तक सारी विषय आएंगे और समाज के उन वर्गों तक संदेश देने की कोशिश होगी जिनके लिए इन एक साल में युगांतरकारी काम हुआ है। मोदी जी की गारंटियों में, उनके सोच में, उसके चिंतन में ये भी एक शामिल है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो मामला है। हो सकता है कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हों, और बने या न बने सरकार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है।